उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा में गैर मुल्कियों पर जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक सिर्फ शहरी रिहायशगाहों पर होगा। हुकूमत को प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों पर दबाव का सामना था। कैनेडा में चीन से आने वालों पर कोविड टेस्ट की पाबंदी ने माहरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। माहरीन का कहना है कि एशियाई कैनेडियन नस्ल परस्ती से सदमे का शिकार हुए हैं। नए आर्जी इकदाम से कम्युनिटी दोबारा मुश्किलात का सामना कर सकती हैं। कैनेडा में जनवरी के महीने को तमिल सकाफती विरसे के महीने के तौर पर मनाया जाएगा। कैनेडियन वजीर अहमद हुसैन का कहना है कि कैनेडा दुनिया की सबसे बड़ी तमिल माइग्रेशन का घर है। तमिल विरसे के कैनेडियन इसे आज का मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूक्रेन का एक मिसाइल हमले में 400 रूसी फौजियों को मारने का दावा। रूसी हुकाम का कहना है कि जंग ज़दा इलाके में यूक्रेन की तरफ से साल 9 के आगाज पर मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस की तरफ से भी नए साल के आगाज पर ड्रोन समेत जहाज़ों के जरिए बम बरसाए गए। 2023 में दुनिया का बड़ा हिस्सा महंगाई के तूफान से मुतासिर होगा। सरबरा IMF का कहना है कि दुनिया का एक तिहाई हिस्सा माशी बहरान का शिकार रहेगा। बेहतर मैशियत रखने वाले ममालिक भी मुतासिर होंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा में नए साल की आमद के साथ ही वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की घरेलू खरीदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में नए साल की आमद के साथ ही हुकूमत कैनेडियन के लिए मकानात की कीमतें कम करने के दबाव का सामना कर रही है, जिससे निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की घरेलू खरीदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 1 जनवरी 2023 से गैर मुल्की तिजारती इदारों और लोगों पर 2 साल के लिए कनाडा में रिहायशी इमलाक खरीदने की ममानियत होगी, ताकि उन कयास आराइयों को ठंडा किया जा सके जिसने मुल्क की हाउसिंग मार्केट को गुज़िश्ता 3 सालों में बेमिसाल बुलंदियों पर ले जाने में मदद की। कोई भी जो ना तो कनाडा का शहरी है और ना ही मुस्तकिल रिहायशी है, इस नए उसूल के मुताबिक 1 जनवरी से कनाडा में 2 साल तक रिहायशी जायदाद नहीं खरीद सकेगा। कनाडा में गैर मुल्कियों के रिहायशी इमलाक खरीदने पर पाबंदी इतवार से नाफजुल अमल होगी, जिसका मकसद रिहायशी बहरान का सामना करने वाले मकामी लोगों को मजीद मकानात फराहम करना है। इस एक्ट के तहत कई अफराद को इस्तेस्ना भी हासिल है, जिसमें पनह गुजीन और मुस्तकिल रिहायशी शामिल हैं। हुकूमत ने यह भी वाजे किया है कि पाबंदी का इतलाक सिर्फ शहरी रिहायश गाहों पर होगा। मकामी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्कियों के रिहायशी इमलाक खरीदने पर पाबंदी का ऐलान वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 2021 की इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था, क्योंकि मुल्क में रिहायशी इमलाक की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थीं और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई थीं। इलेक्शन में लिबरल पार्टी की फतह के बाद खामोशी से इस एक्ट का नफाज कर दिया गया, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के रिहायशी इमलाक की खरीदारी पर पाबंदी है। कनाडा में माहरीन इस तशवीश में मुब्तला है कि चीन से आने वाली परवाजों पर कनाडा की नई COVID-19 पाबंदियां एशियाई मुखालिफ नफरत को हवा दे सकती हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कनाडा में माहरीन इस तश्वीश में मुब्तला हैं कि चीन से आने वाली परवाजों पर कनाडा की नई कोविड-19 पाबंदियां एशियाई मुखालिफ नफरत को हवा दे सकती हैं, क्योंकि वबाई अमराज के आगाज से ही एशियाई कैनेडियंस के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में इजाफा हो रहा है। जुलाई 2020 में शुमारियात कनाडा ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पता चला कि एशियाई कैनेडियंस कौंसल नस्ल या जिल्द के रंग की बुनियाद पर सबसे ज्यादा हिरासा किए जाने या हमलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद से उनकी तादाद में कमी आई है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इस आर्जी इकदाम को नाफिज करने के बाद वकला एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहे हैं, जिसके तहत चीन, हांगकांग या मकाओ के मुसाफरों को उनकी रवानगी से कबल मनफी टेस्ट का सबूत फराहम करने की जरूरत है। माहरीन का कहना है कि जब बात कोविड-19 या दीगर मुंतकिल होने वाली बीमारियों की हो तो बहुत से एशियाई बाशिंदों को निशाना बनाया गया है और उन्हें बीमारियों के करियर कहा जाता है। ये पूरी तारीख में होता रहा है और इस तरह के इकदामात अकेले लोगों के लिए एक बहाना लगते हैं। तिब्बी बिरादरी के बहुत से नुमाइंदों ने भी इन इकदामात के बारे में बात की है। कुछ सोशल मीडिया पर उन्हें कारकर्दगी कहते हैं। माहरीन का कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस नुक्ता नज़र के साथ गलत हो सकती हैं, और ये कि कोविड-19 की मुख्तलिफ हालतों के फैलाव को रोकना आखिरकार नहीं होना चाहिए। माहरीन का कहना था कि एशियाई कम्युनिटी में बहुत से लोग कोविड से मुतालिका नस्ल परस्ती से सदमे का शिकार हुए हैं, और ये कि नए आर्जी इकदाम से कम्युनिटीज़ को दोबारा सदमा पहुँचाने और लोगों को दोबारा हमले करने की फिक्र होने का ख़तरा है। कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि ये मैंडेट 30 दिनों के लिए इसका दोबारा जायजा लेने से पहले होगा। नया आर्जी मैंडेट कौमियत या वैक्सीन की हैसियत से कतई नज़र 2 साल और इससे ज़ायद उम्र के मुसाफरों पर लागू होता है। कनाडा में लोग इस जनवरी को तमिल सकाफती विरसे का महीना मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। कनाडा में लोग इस जनवरी को तमिल सकाफती विरसे का महीना मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा के तनु शमूलियत और नौजवानों के वजीर अहमद हुसैन ने एक बयान में कहा कि यह महीना मुल्क भर की तमिल बिरादरियों की भरपूर तारीख, सकाफत, लचक और ताकत पर गौर करने का वक्त है। हुसैन ने मजीद कहा कि कनाडा दुनिया की सबसे बड़ी तमिल माइग्रेशन का घर है। कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के मुताबिक कनाडा में एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख लोग तमिल बोलते हैं, जिनका तखमीना 10% BC में रहते हैं। अहमद हुसैन का कहना था कि तमिल विरसे के कैनेडियन इसे आज का मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार, सियासत, फनून या दीगर शोबों की दुनिया में हो। तमिल कम्युनिटीज हमारे माशरे में एक अहम और मुतासिर कुन किरदार अदा कर रही हैं। इस महीने के दौरान तमिल कम्युनिटी के अराकीन मिलकर इन बहुत सी अजीम शराकतों को मनाने के लिए इकट्ठे होंगे जो उन्होंने की हैं और करते रहते हैं, और ये हर एक के लिए उनकी ज़बरदस्त कामयाबियों को तस्लीम करने और उनका एहतराम करने का मौका फराहम करता है। इन तकरीबात में से एक तहाई पोंगल है, फसल की कटाई का त्यौहार। इस साल ये तकरीब 14 से 17 जनवरी को होगी। हुसैन का कहना है कि ये जश्न हर एक के लिए है और कैनेडियन आवाम को एक दूसरे के बारे में मजीद जानने की तरकीब देता है। यूक्रेन ने एक मिसाइल हमले में 400 रूसी फौजियों को मारने का दावा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन ने एक मिसाइल हमले में 400 रूसी फौजियों को मारने का दावा किया है। दोनों ममालिक की अफवाज की जानिब से दुश्मन को बड़े नुकसान पहुंचाने और मुतादिद फौजियों की हलाकत के दावों का सिलसिला भी जारी है, ताहम आज़ाद ज़राए से उनकी तस्दीक नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि मिकोया का शहर में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जहाँ बड़ी तादाद में रूसी फौजी मौजूद थे। दूसरी जानिब रूस की तरफ से मिसाइल हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इसके नतीजे में मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। रूसी हुक्काम का कहना है कि जंगजदा इलाके में यूक्रेन की तरफ से साल नौ के आगाज पर मिसाइल हमले किए गए, जिसके नतीजे में एक तालीमी इदारे की इमारत बुरी तरह मुतासिर हुई। समाजी राबते की वेबसाइट पर एक पैगाम में साबिक रूसी फौजी अहलकार का कहना है कि हमले में बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी हुए। यूक्रेन के हुक्काम ने इल्जाम लगाया है कि रूस की तरफ से भी नए साल के आगाज पर ड्रोन समेत जहाजों के जरिए बम बरसाए गए, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही हुई। रूस की तरफ से सख्त सर्दी के मौसम में यूक्रेन पर मुसलसल हमलों के दौरान इमारतों समेत बर्की तनसीबात को मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाइस मुल्क का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है। सरबरा IMF ने कहा है कि 10 माह से जारी रूस यूक्रेन जंग दुनिया भर में होने वाली महंगाई और शरह सूद में इजाफे समेत चाइना से उठने वाली कोरोना की नई लहर के बाइस महंगाई का तूफान आएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सरबरा IMF ने कहा है कि 10 माह से जारी रूस यूक्रेन जंग, दुनिया भर में होने वाली महंगाई और शरह सूद में इजाफे समेत चाइना से उठने वाली कोरोना की नई लहर के बायस महंगाई का तूफान आएगा। आलमी खबर इदारे के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की सरबरा क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है कि 2023 में दुनिया का बड़ा हिस्सा महंगाई से मुतासर होगा। सरबरा IMF का ख्याल है कि दुनिया का एक तिहाई हिस्सा मौशी बहरान का शिकार रहेगा, जिसका सबब अमरीका, यूरोप और चीन की मौशी सुस्त रवि है और इसके नतीजे में बेहतर मईशत रखने वाले ममालिक भी मुतासिर होंगे। उनका कहना था कि 2022 के मुकाबले 2023 में मौशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, अमरीका और यूरोप इससे बराह रास्त मुतासिर होंगे। उनका कहना है कि 2023 में शरह नमू 2.7% रहने का इम्कान है, जबकि इसके मुकाबले 2022 और 2021 में शरह नमू बिल तरतीब 2.7% और 6% रही। क्रिस्टीना जॉर्जिवा का कहना है कि चीन में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ अवामी एहतजाज और इसके नतीजे में कोरोना के फैलाव से न सिर्फ खत्ता बल्कि पूरी दुनिया मुतासर होगी। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV।